गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे सब लोग? ऑल क्लियर? एक बार चेक कर लीजिएगा। विल स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप सब लोग, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा। आशीष जी, विधि जी, मुक्ता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जल्दी से चेक कीजिएगा साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी। इफ इज इट ओके देन विल प्रोसीड विद टुडेज डिस्कशन। सुप्रभात गुलाब जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, कैसे आप सब लोग? एक बार सिर्फ ऑडियो क्वालिटी चेक कीजिएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। यस, ऑल क्लियर है। ओके ताहा जी, कैसे हो आप? चलिएगा फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ मटेरियल कॉस्ट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बहुत मजा आया था। कुछ 9 क्वेश्चन और हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ऑल क्लियर है? चलिएगा जी। ओके ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कल का रिवीजन ले रहा हूं सो दैट यू कैन सॉल्व टुडेज क्वेश्चन एज वेल। ध्यान से सुनिएगा, कल का पूरे जो कंसेप्ट है उसका रिवीजन ले रहा हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम लोगों ने, जी हाँ, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्डरिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? तो नंबर ऑफ ऑर्डर, फटाफट से सर याद कीजिएगा, बोलते रहिएगा फटाफट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने कैसे फाइंड किया था? ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स था, ये आप लोगों ने कैसे फाइंड किया था? तो एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब क्या था? एक बार मार्केट में जाके आप कितना क्वांटिटी परचेस करके लाते हो, ये है आपका ऑर्डर साइज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो ऑर्डर साइज इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा था कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैसे आता था पर एनम? एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई, ओ हो दर्शन, क्या एनुअल रिक्वायरमेंट? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता था? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका आंसर आता था कैरिंग कॉस्ट का। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया। फिर फ्रेंड्स हमने एक खूंखार फॉर्मूला देखा था, दैट फॉर्मूला वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये था आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे थे, कुछ सेंटेंस लिखे थे मार्जिन में। कल का ज्ञान अगर आपको याद आ रहा है तो हम लोगों ने कल ज्ञान लिखे थे कुछ। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है शुड इक्वल टू योर कैरिंग कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट ज्ञान आपको बताया था। फिर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये भी बताया था, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज में दिया है देन अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस, अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज टर्म्स में दिया है, सपोज 20%, 30%, 25%, देन अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस। अगेन चलिएगा फ्रेंड्स, और कुछ ज्ञान लिखवा के दिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखवा के दिए थे क्या मार्जिन में? एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। एनी अदर इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एनी अदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या हमने लिखवा के दिया था आपको मार्जिन में? जल्दी से चेक कीजिएगा। कोई और सेंटेंस लिखवा के दिया है मार्जिन में? क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो मार्जिन में लिखवा के देता हूं, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
EOQ तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिक आ जाए, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिक आ जाए, ठीक है। उसके बाद हाँ वेरी गुड, ये किन्होंने आंसर दिया है, मुक्ता जी आंसर दे रहे, मुक्ता जी बोल रहे ये जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना सर, ये किसके रिलेटेड है, मटेरियल के रिलेटेड है या फाइनल प्रोडक्ट के रिलेटेड है? तो मुक्ता जी इन्होंने आंसर दे दिया है, या फिर शुभम जी इन्होंने आंसर दे दिया है कि इकोनॉमिक क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज रिगार्डिंग द मटेरियल एंड नॉट फाइनल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है हमें, अगर इंफॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट का दिया है तो ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल कैसे फाइंड करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए 5 क्वांटिटी रॉ मटेरियल का लगता है, अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो फिनिश गुड्स का क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेने का, फाइनल प्रोडक्ट का अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो उससे रॉ मटेरियल डिराइव कीजिएगा, आपको रिलेशनशिप दिया रहेगा एक यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल का लगेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उससे आप फाइंड करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मंथली वर्ड यूज किया है, अगर आपको 6 मंथली वर्ड यूज किया है, ठीक है, क्वार्टरली वर्ड यूज किया तो अंडरलाइन करना, ध्यान से करना है हमें। एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे हमें कैरिंग कॉस्ट दिया था लेकिन वो पर डे दिया था, पर यूनिट पर डे दिया था 0.02 ऐसे कुछ तो भी था, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज से आपने उसने उसको मल्टीप्लाई किया था, परफेक्ट है, चलेगा। यहां तक हम लोगों ने कल वर्किंग किया था, वी आल्सो सॉल्व्ड सम 9 क्वेश्चन, राइट फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चन कल हो गए थे, लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया या क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। ओके आई डोंट थिंक सो कोई डाउट रहेगा आपको 1 to 9 वाले क्वेश्चंस में, आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट रहेगा 1 to 9 वाले क्वेश्चन में, यस अप टू 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा सब लोग, आई होप सब लोगों के पास नोट्स रेडी रहेगा, आप लोगों ने डाउनलोड किया रहेगा कल के लेक्चर से ही, सेम नोट्स है वो। आगे चलिएगा फ्रेंड्स जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आ जाएगा सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, चलेगा। टाटा मोटर्स परचेसेस 9,000 मोटर स्पेयर पार्ट फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, सर जी कोई फिरकी ले रहा है या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़िए तो, कोनो फिरकी ले रहा है या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दिया है। टाटा मोटर परचेसेस 9,000 मोटर स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट यानी रॉ मटेरियल, ओके फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, यहां पे कोई आपको कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं दिया है, रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन दिया है, एनुअल परचेसेस दिया है दैट यू आर गोइंग टू परचेस 9,000 यूनिट्स पर एनम, ओके ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, प्लीज इसको अंडरलाइन कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, एवरीवन प्लीज अंडरलाइन दैट सेंटेंस, ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, मुझे यह पॉइंट समझ में नहीं आया, कैन एनी वन एक्सप्लेन दिस, ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, कैन एनी वन इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, जल्दी से फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम का मतलब नहीं समझा मुझे, और ये पूरे जो वर्ड है सेंटेंस है इस पे पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि 9,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है और ऑर्डरिंग 1 month रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, इसका मतलब क्या है, फटाक से आंसर दीजिएगा। कौन है मुक्ता जी, वेरी फास्ट तोड़ चैंप, मुक्ता जी वेरी फास्ट, वेरी गुड, बाकी लोग अरे क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग ऑल, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा, बाकी लोग क्या है, किधर गए सब लोग, अच्छा ओके वेरी गुड, अंशिका जी इन्होंने भी आंसर दे दिया है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 12, क्या बात है, सही जा रहे हो, ऑर्डरिंग 1 month एट अ टाइम यानी 1 महीने की रिक्वायरमेंट हम लोग एक साथ परचेस कर रहे हो,
तो वेरी गुड चैंप लोग, 9000 हमें पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक महीने की रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस कर रहे हैं। तो हम लोग 12 बार मार्केट में जाएंगे 12 मंथ के लिए, 12 बार मार्केट में जाएंगे और परचेस करेंगे। तो मालिक हमारा प्रेजेंट ऑर्डर साइज क्या बात है ताहा, प्रगति जी, इसके बाद ज्ञानेश्वर जी, राघव जी, सब लोगों ने, बिंदु जी, शुभम, अंशिका, सब लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया है कि हमारा जो ऑर्डर साइज है वो 750 है। यानी हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में जाएंगे मार्केट में 750 क्वांटिटी लेके आएंगे, तो ऐसे हर महीने में जाना पड़ेगा। तो आई होप ये सेंटेंस एब्सोल्युटली क्लियर है, ऑर्डरिंग 1 मंथ रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, ऑर्डरिंग 1 मंथ रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, एक महीने की रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस कर रहा हूं, तो 12 महीने की रिक्वायरमेंट 12 बार हम लोगों को परचेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 12 टाइम्स 12 बार ऑर्डर में जाना, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आई होप ये सेंटेंस सबको क्लियर है। आगे, ईच स्पेयर पार्ट कॉस्टिंग ₹20, हर एक स्पेयर पार्ट का कॉस्ट ₹20 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹15, जी हां, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 15, कैरिंग कॉस्ट इज 15% ऑन एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। फ्रेंड्स हमें यह पता है जो कैरिंग कॉस्ट रहता है वो एवरेज इन्वेंट्री पे रहता है, लेकिन जब आप ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब आप ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट लेते हो, एवरेज इन्वेंट्री का नहीं लेते सर, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करना है। एंड मैंने कल आपको ज्ञान दिया था, अगर कैरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है देन अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन परचेस प्राइस, और आपका जो परचेस प्राइस है वो ₹20 है। ओके, यू हैव बीन आस्ट, देखो फ्रेंड क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। यू हैव बीन आस्ट टू सजेस्ट मोर इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी फॉर द कंपनी। सर ये बात समझ में नहीं आई, मोर इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी फॉर द कंपनी, मतलब ये हुआ राइट नाउ कंपनी इज परचेसिंग 1 मंथ रिक्वायरमेंट एट अ टाइम, 12 ऑर्डर कंपनी प्लेस कर रहा है, एक ऑर्डर में 750 यूनिट्स परचेस कर रहा है, आपको कुछ सजेशन देना है, मोर इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी। अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन है उसका मीनिंग समझा नहीं, यानी करना क्या है बॉस, इसका मतलब क्या है, करना क्या है। ओके, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, करना क्या है क्वेश्चन में, ओ बॉस जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, करना क्या है वो नहीं समझा, अरे आप डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन देखो, पहले बॉस आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा, सामने वाले ने क्या एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत इस पर डिपेंडेंट है, मुझे डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा, मुझे डायरेक्ट, अरे थोड़ा लॉजिक, अरे आराम से आराम से भाई, मुझे पता है आप सब लोगों को आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स लॉजिकली हम लोग जाते हैं। ओके, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कंपनी ऑलरेडी कुछ पॉलिसी है, मंथली परचेस कर रहा है, आपको मोर इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी बताना है, और फ्रेंड्स आपको पता है मोर इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी यानी ईओक्यू छोड़ के इकोनॉमिक कोई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपको सामने वाले को बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आएगा। अब आप, जी हां जी हां, अब आप मुझे आंसर देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है हमें, मोर इकोनॉमिक का मतलब बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो अब आप आंसर दे सकते हो, वेरी गुड, जी हाँ गुलाब जी, ये कॉस्ट से रिलेटेड है, और आपको पता है कॉस्ट कहां पे कम आता है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां पे आता है, तो लोएस्ट कॉस्ट आपका आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, वेरी गुड विधि जी, इन्होंने एकदम प्रॉपर आंसर दिया है, विधि जी इन्होंने एकदम प्रॉपर आंसर दिया है कि पहले वो 750 यूनिट्स परचेस करते थे एक ऑर्डर में, अब उन्होंने परचेस करना चाहिए 300, तो शायद इनका जो आंसर है 300 ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वेरी गुड विधि जी, बहुत ही अच्छे, बाकी सब स्टूडेंट ने जिन्होंने 300 आंसर दिया, वेरी गुड, फिर आपने क्या अप्लाई किया फ्रेंड्स, ईओक्यू का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, ईओक्यू का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज 9000 आई गेस मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट वॉज गिवन इन क्वेश्चन, ऑर्डरिंग कॉस्ट था ₹15 बॉस,
डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट वॉज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 15% आपने अप्लाई कर दिया 20 रुपीज पे, सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है कुछ 9 लाख आंसर आ रहा है, तो ये जो है वो 300। अगेस आपका जो फाइनल आंसर आ गया आपने 300। तो मोर इकोनॉमिकल क्या है, मोर इकोनॉमिकल क्या है, कंपनी पहले 750 यूनिट्स एक लॉट में एक ऑर्डर में परचेस करता था, उनको बोलो नहीं प्लीज ऐसा मत करो, नो मींस नो, 750 पे आपको ज्यादा कॉस्ट लग रहा था तो आप अभी परचेस कर लीजिएगा 300 एक लॉट में, इससे लोएस्ट कॉस्ट नहीं लग सकता, तो आपका जो ऑर्डर साइज है ये 300 है, एक साथ आप मार्केट में 300 क्वांटिटी परचेस कीजिएगा, ठीक है। चलो चैंप लोग, अब मैं आपको एक और आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कितने चैंप लोग आंसर दे सकते हैं। एंड माय क्वेश्चन इज, कंपनी ने पूरे साल में कितने पैसे बचा लिए एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस पॉलिसी, अगर वो ईओक्यू फॉलो करता है तो कंपनी कितना पैसा बचा लिया, अगर ईओक्यू फॉलो करता है, एक खूंखार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बहुत ही तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं पूछा था, मैं आगे का स्टेप आपसे पूछ रहा हूं, कंपनी ने ईओक्यू फॉलो करके उनके कितने पैसे बचा लिए, तो जल्दी से फ्रेंड्स आप दो कॉलम में टेबल प्रिपेयर कीजिएगा, रफ में प्रिपेयर कीजिएगा, फाइनल आंसर मुझे फेयर में नहीं चाहिए, रफ में आप प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है कॉलमनर फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कॉलमनर फॉर्म में किया था, ठीक है अब आप मुझे वो कॉलमनर फॉर्म के वो जो सारे आइटम्स है वो लिख के एक फाइनल आंसर बता दीजिएगा, टोटल एग्जिस्टिंग में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना आता है, और ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कितना आता है, चैंप स्टूडेंट रहेगा जो ये आंसर देगा, ठीक है वो टेबल प्रिपेयर कीजिएगा, आप बोलेंगे कौन सा टेबल, फ्रेंड्स ये वाला टेबल आपको प्रिपेयर करना है, दो कॉलम आपने कंसिडर किए, एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी था कंपनी का 750 पर मंथ आप परचेस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता हूं तो कंपनी कितना पैसा बचा रही है उसका, ठीक है तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। ओहो प्रेम जी ने तो आंसर दे दिया, प्रेम जी बोल रहे 20,250 सेव होएगा, ओके मैं आपका आंसर लिख रहा हूं प्रेम जी, 20,250 सेव होएगा अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो, चलेगा जल्दी से वो टेबल बनाइएगा, आई होप आपको समझ रहा है, टेबल जल्दी से प्रिपेयर कीजिएगा। चलो बाकी लोग फटाक से आंसर दीजिएगा, चलो जल्दी से बाकी लोग आंसर देते रहिएगा, मुझे ये टेबल का आंसर चाहिए, फाइनली जल्दी से प्रिपेयर कीजिएगा और आंसर दीजिएगा फटैक से हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका माना कंपनी ने और ईओक्यू फॉलो किया जिसमें ऑर्डर साइज 300 था, अगर आपका जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो फॉलो किया तो कंपनी ने कितने पैसे बचा लिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं, कल के क्वेश्चन काफी सिंपल थे, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। एक आंसर आ गया अंशिका गुप्ता जी, इनका 2700 इनका आंसर आया है, एक और आंसर आया बिंदु जी 11,475 पैसे बचा लिए, चलिए बाकी लोग आंसर देते रहिएगा,
बस ये टेबल का आप आंसर दीजिएगा, और टेबल का आंसर आने के बाद चेक कीजिएगा आपने कितने पैसे बचा लिए। आप लोगों ने कितने पैसे बचा लिए, चलिएगा आंसर देते रहिएगा फ्रेंड्स। अब ये टेबल खुद से प्रिपेयर करना सीखो अभी आप, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये टेबल हमें प्रिपेयर करना है। चलिए एनी आंसर, ओके 405, मुक्ता जी 405 आंसर दे रहे हैं, ओके 405 आंसर दे रहे हैं मुक्ता जी, ओके देखते हैं ना आगे, वेरी गुड। चलिएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था, तो 9000, 9000। फिर ऑर्डर साइज कितना था, एग्जिस्टिंग में 750 ऑर्डर साइज था। ये कैसे आया फ्रेंड्स ऑर्डर साइज 750, देखिएगा 9000 आप परचेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय 12 महीने, हर एक महीने में एक ऑर्डर आएगा तो 750। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, एक ऑर्डर में 750। आपका जो ईओ क्यू का ऑर्डर आया था वो ईओ क्यू का ऑर्डर आया था 300 यूनिट्स का, ओके ईओ क्यू का जो ऑर्डर आया था वो 300 का आया था। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, पहले केस में 12 ऑर्डर हो गए और सेकेंड केस में आई गेस 30 ऑर्डर्स आ गया, बॉस बराबर है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो 15 रुपीज था, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है 180 ऑर्डरिंग कॉस्ट आया। सेकेंड केस में 30 मल्टीप्लाइड बाय 15, 450 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, ठीक है। इसके बाद एवरेज इन्वेंटरी कितना है, तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज है 750 डिवाइडेड बाय 2 375। ईओक्यू का ऑर्डर साइज है 300 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया आपका 150। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था, तो 3 रुपए था, आई गेस 3 रुपीज, 3 रुपीज, वो जो 20% था परचेस, 15% ऑन परचेस प्राइस दैट इज 20, 3 रुपीज, 3 रुपीज। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 375 मल्टीप्लाई बाय 3, आपको जो आंसर आ रहा है वो 1125। नेक्स्ट केस में 450, आपको पता है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। अब हम लोग लेते हैं टोटल कॉस्ट, अब हम लोग ले रहे बॉस टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 180, जी हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 180, कैरिंग कॉस्ट है 1125, तो 1125 प्लस 180 आई गेस आपका आंसर आ गया 1305। और अगर आप ईओक्यू फॉलो करते तो आपका आंसर आ गया 900, आपका आंसर आ गया 900। तो जल्दी से बताइएगा, अब तो आपके सामने आंसर है, जल्दी से बताइएगा कितने पैसे सेव किए अगर आप कंपनी ईओक्यू फॉलो करने की सलाह देते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो करते तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 1305, ईओक्यू अगर फॉलो करते तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 900, तो कंपनी ने कितने पैसे बचा लिए, तो कंपनी ने 405 रुपए, 405 रुपीज बचा लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी ने कितने पैसे बचा लिए, 405। इज इट क्लियर है फ्रेंड्स सब लोगों को, क्या ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से हाँ या ना बताइएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, 405 रुपीज सेव किया, अरे हाँ या ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। कंपनी ने ईओक्यू फॉलो करके 405 रुपए बचा लिए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। आगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, तोड़ मालिक हुंकार क्वेश्चन था, मजा आया आपको। तो ईओक्यू का फ्रेंड सिर्फ आप है ना फॉर्मूला ऐसे रट्टा मत मारिएगा, कंसेप्ट पर मंथ नहीं है राघव जी, राघव जी ये पर एनम कॉस्ट है, पर मंथ कैसे है सर, ये तो पूरे साल का है, तो ये पूरे साल में 405 रुपए बचा लिए, पर मंथ नहीं है, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, तो आपने पूरे साल में 405 रुपए बचा लिए, पर मंथ किधर है, ये तो पर एनम है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सो 405 करेक्ट आंसर है, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डोंट वरी ऐसे और कंसेप्ट आने वाले आगे।
अब मार्क क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट रिवीजन बिफोर एग्जाम, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क किया है, वैसे ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो रिवीजन बिफोर एग्जाम। एक बेसिक क्वेश्चन है, काफी सारे एडजस्टमेंट है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब थोड़ा डिस्कशन होएगा डिस्को पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी, तोड़ मालिक, डिस्काउंट पॉलिसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑब्वियसली डिस्काउंट कब मिलेगा, अगर आपने बल्क परचेज किया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है। ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ अगर आपने परचेज किया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बल्क क्वांटिटी में अगर आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो इसका इंपैक्ट कहां कहां पे आएगा, ये आप मुझे बताइएगा अभी, ठीक है। सोचने वाली बात है, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है परचेज प्राइस पे, सपोज आपका जो परचेज प्राइस है, मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूं, पिछले क्वेश्चन में जो आपका परचेज प्राइस था वो आई गेस 20 रुपीज था, और अगर सपोज क्वेश्चन में बोल दिया अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑन परचेज प्राइस। तो मैं ये जानना चाहता हूं अगर डिस्काउंट मिलता है तो इसका इंपैक्ट आपका कहां कहां पे आएगा, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा। हाँ अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं, ठीक है, ईओक्यू फॉलो नहीं करते, बल्क क्वांटिटी में परचेस करते तो ऑब्वियसली आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होने की वजह से। ओके वेरी गुड फ्रेंड्स, और क्या है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि परचेस प्राइस इंपैक्ट होएगा ना सर, ठीक है। परचेस प्राइस कितना रहेगा, अभी 20 रुपीज आपका परचेस प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो परचेस प्राइस 18 रुपीज है, वेरी गुड। और क्या होएगा फ्रेंड्स, क्या आपका कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा, सोच समझ के आंसर देना, क्या आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा क्या, जल्दी से आंसर देना। जी हाँ, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद आ रहा है कैरिंग कॉस्ट जो था, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद आ रहा है कैरिंग कॉस्ट जो था वो 15% ऑन परचेज प्राइस था, तो मालिक अगर आप आपकी परचेज प्राइस चेंज करते हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी बकायदा चेंज होएगा। अरे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, पहले आपका कैरिंग कॉस्ट कितना था, पिछला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो 20 रुपए पे 15%, 3 रुपए कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन अगर मालिक आपको भी डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट है, ओके, तो 20 रुपए की जगह पे आपका परचेज प्राइस है 18 रुपीज। नाउ 18 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट है, 15%, ठीक है। तो आई गेस कुछ 2.55 ऐसे कुछ तो भी आपका नया कैरिंग कॉस्ट आएगा। प्रगति जी, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज टोटल होएगा, पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कम होएगा, ये बराबर कि बल्क क्वांटिटी में आप परचेस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आपका टोटल बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम होएगा, क्योंकि परचेस प्राइस पे अगर वो डिपेंडेंट है तो, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 11, आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है रिविजन बिफोर एग्जाम। चलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 75 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 75 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट इज 20%, ये 20% किस पे अप्लाई करेंगे, तो परचेज प्राइस पे अप्लाई करेंगे, तो मटेरियल का प्राइस 1 रुपए है, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 12,000, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दे दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया, कैरिंग कॉस्ट दिया और एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है। फ्रेंड्स अब ध्यान से सुनिएगा अगला पार्ट, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा अगला पार्ट, सप्लायर इज रेडी टू ऑफर 5% डिस्को इफ ऑर्डर साइज इज 12,000 यूनिट्स। अरे चैंप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा, सप्लायर 5% तक का डिस्काउंट देगा अगर ऑर्डर साइज 12,000 है, तो जल्दी से आप भी आंसर दीजिएगा पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे। हाँ आपसे पूछ रहा हूं, पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, जल्दी बताइएगा। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000,
और सप्लायर बोलता है डिस्काउंट ले 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 ले, लेकिन डिस्काउंट अगर चाहिए 5% का तो ऑर्डर साइज होनी चाहिए 12,000। अरे मेरे चैंप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा, तो ऑर्डर साइज कितना आएगा? जी हाँ, ऑर्डर साइज कितना आएगा? अरे बराबर है, ऑर्डर साइज 12,000 है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा 1। ऑर्डर साइज तो दिया है 12,000, तो 12,000 परचेस करना है। जाओ जाके एक साथ 12,000 परचेस करके लाओ, तो एक ऑर्डर अगर आपने सिर्फ प्लेस किया पूरे साल में, सामने वाला रेडी है 5% डिस्को देने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे, वेदर दिस पॉलिसी इज एक्सेप्टेबल और नॉट। जी हाँ, क्या ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है? डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी डिस्काउंट वाला पॉलिसी एप्लीकेबल है या नहीं है? यानी फ्रेंड्स, आपको अभी दो कॉलम कंसीडर करने पड़ेंगे। एक ईओक्यू वाला कॉलम कंसीडर कीजिएगा और एक 5% डिस्काउंट का कॉलम कंसीडर कीजिएगा, और टोटल कॉस्ट चेक कीजिएगा। जहां पे कॉस्ट कम आता है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आगे डिस्कशन करते हैं, आगे भी पढ़ते, क्योंकि एक और ऑफर दिया है आपको। सप्लायर इज ऑल्सो रेडी टू ऑफर डिस्को ऑफ 2%। देखो, दो टाइप का डिस्काउंट दिया, एक 5% का भी डिस्काउंट है और एक 2% का भी डिस्काउंट है। सप्लायर इज रेडी टू गिव 2% डिस्काउंट अगर ऑर्डर साइज 6,000 यूनिट्स है। जल्दी से बता दीजिएगा, अगर मुझे 2% डिस्को चाहिए तो पूरे साल में मैं कितना ऑर्डर प्लेस करूंगा? मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। जितने लोगों ने लाइव कनेक्ट किया है, सारे के सारे स्टूडेंट आंसर देंगे, अगर मुझे ये 2% डिस्को का ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मैं कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा पूरे साल में? यस, वेरी गुड, यस, वेरी फास्ट। दो ऑर्डर प्लेस होएगा। कैसे? क्या 12,000 परचेस करना है, एक साथ 6,000 परचेस कर रहा हूं, तो दो ऑर्डर प्लेस करेंगे। शाबाश लोग, शाबाश। तो इफ सप्लायर इज रेडी टू ऑफर डिस्काउंट ऑफ 2%, अगर ऑर्डर साइज 6,000 यूनिट्स है, ठीक है। एजम्पशन वन, दो एजम्पशन लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में। डिस्काउंट पॉलिसी विल नॉट चेंज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। एज्यूम डिस्काउंट पॉलिसी विल चेंज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। सब लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ये पार्ट सीखेंगे, बिल्कुल यहां वहां नहीं देखना है, मोबाइल वगैरह साइड में रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। फ्रेंड्स, इन लोगों ने दो एजम्पशंस दिए हैं, इन लोगों ने दो एजम्पशन दिए हैं, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज। पहला एजम्पशन था कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी, और आपको क्वेश्चन में दूसरा एजम्पशन लेने के लिए बोला है कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड्स, दो एजम्पशन है, बराबर है। ये एजम्पशन में तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहेगा। पहला एजम्पशन बोलता है कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, दूसरा एजम्पशन बोला है कैरिंग कॉस्ट विल चेंज। ओके, ठीक है, समझ गया ये पॉइंट। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको तीन ऑप्शंस हैं। वो तीन ऑप्शन कौन से है? तो सबसे पहला ऑप्शन है भाई तू ईओक्यू फॉलो कर ले, सेकेंड ऑप्शन है भाई तू 5% का जो डिस्काउंट है वो पॉलिसी फॉलो कर ले, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2% का जो डिस्काउंट पॉलिसी है वो ऑप्शन तू सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अब फ्रेंड्स सेकेंड केस में भी आपको ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आराम से सर, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। सेकेंड केस में भी तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ईओक्यू 5% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, सेकेंड पार्ट पहले डिस्कस कर रहा हूं,
परचेस प्राइस कितना आएगा? मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ईओक्यू में परचेस प्राइस कितना, 5% में परचेस प्राइस कितना, 2% में परचेस प्राइस कितना, आप आंसर दीजिएगा, डिस्काउंट काट के आंसर दीजिएगा। ओ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ईओक्यू अगर फॉलो किया तो मेरा परचेस प्राइस पर यूनिट कितना, 5% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो किया तो मेरा परचेस प्राइस कितना, 2% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो किया तो मेरा परचेस प्राइस कितना, देखिएगा ऊपर दिया है, देखो वैल्यू ऑफ मटेरियल इज रुपीज वन, वैल्यू ऑफ मटेरियल इज रुपीज वन। चलो जल्दी से, जी हां, अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता हूं तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर मुझे 5% डिस्काउंट पे जाना है, अगर मुझे 5% डिस्काउंट पे जाना है तो वो 12,000 के लॉट में परचेस करना पड़ेगा, तो मेरा परचेस प्राइस 0.95 पर यूनिट आएगा। और अगर मैं वो 2% का डिस्काउंट पॉलिसी एक्सेप्ट करता हूं तो 0.98। अब कॉमर्स के स्टूडेंट को ये डिस्काउंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, 1 रुपए परचेस प्राइस से 5% का डिस्काउंट मिल गया तो 0.95 परचेस प्राइस आ गया, 1 रुपए का परचेस प्राइस से 2% का डिस्काउंट मिल गया तो 0.98। तोड़ मालिक, अरे समझा क्या? ओके, अब सेकेंड, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं मैं, जो कैरिंग कॉस्ट दिया है वो कितना परसेंट दिया है, देखो, अरे देखो पीछे देखो, 20% का कैरिंग कॉस्ट दिया है। और मैंने आपको बोला है ये जो 20% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है किस पे अप्लाई होता है, तो परचेस प्राइस पे अप्लाई होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपकी परचेस प्राइस चेंज हो रही है, आपकी परचेस प्राइस चेंज हो रही है तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होएगा। अब आप मुझे बताइएगा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 1 रुपीज का 20 पैसे, यानी 0.20 आया, कोई शक इसमें? 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर लेता हूं तो 0.19 आया, आपको कोई शक इसमें? 0.98 परचेस प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 20% आपका जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा 196, कोई शक इसमें? कोई शक इसमें? अगर रहेगा तो पहले ही बता दीजिएगा फ्रेंड, हेडिंग चेक करो मैं कहां लिख रहा हूं, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी, ये सेकेंड एजम्पशन है। और आप देख सकते हो कैरिंग कॉस्ट मालिक आपका चेंज हो रहा है क्योंकि परचेस प्राइस चेंज हो रही है। फ्रेंड्स क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है फ्रेंड्स? देखिएगा अपना इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या था, कैरिंग कॉस्ट किस पे एप्लीकेबल है, परचेस प्राइस पे एप्लीकेबल है। तो अगर परचेस प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है और परचेस प्राइस आपका चेंज होता है तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट आपका चेंज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सेकेंड एजम्पशन में बोला है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया ये कंसेप्ट। ओके ओके, वेरी गुड, यस यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अगर क्लियर है बॉस तो अब पहले वाला एजम्पशन पढ़िएगा, अब पहले वाला एजम्पशन पढ़िएगा, और पहले वाला एजम्पशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला है, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी, कैरिंग कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होने वाली, डिस्काउंट आने दो कुछ भी रहने दो, कैरिंग कॉस्ट आपका चेंज नहीं होएगा। तो आप अभी जल्दी से आंसर दे रहे हो, हां आप, तो अगर कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है कितना भी डिस्काउंट दे दो, ऐसे सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा? चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा, पहले सिचुएशन में कितना, सेकंड सिचुएशन में कितना, थर्ड सिचुएशन में कितना? अरे पहले सिचुएशन में कितना, सेकंड सिचुएशन में कितना, थर्ड सिचुएशन में कितना, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। जी हां, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट है। मुक्ता जी, ज्ञानेश्वर जी, बिंदु जी, दुर्गा जी, अंशिका जी, तहा जी,
जैनेश जी, बलराम जी गलत है, तीनों में 1 रुपया है। बलराम जी 1 रुपये परचेज प्राइस है, कैरिंग कॉस्ट 1 रुपये पे 20% है सर। वेरी गुड, समझ गया भाई आप लोगों को ये पॉइंट। तो हर एक सिचुएशन में पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी बोल दिया, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी। अगेस भैया जी फोटो, इसका फोटो लिख लो, और कभी भी आपको यानी ये लगा ये आप लिख लेना बाद में, ठीक है। ये तो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ही, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कैरिंग कॉस्ट का कैसे सीन है। ओगेस क्या आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन? मुझे सबसे पहले आप ईओक्यू फाइंड करके बताओ। चलो फेयर में करना है, अभी रफ में कोई नहीं करेगा। सबसे पहले तो ईओक्यू फाइंड करके बताइएगा। चलो जल्दी से फेयर में सॉल्व करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि ईओक्यू का काफी सारा प्रैक्टिस हो गया है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? एनुअल रिक्वायरमेंट दे हैव गिवन 12,000। जल्दी से आंसर देते रहिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 75 एंड कैरिंग कॉस्ट इज कितना परसेंट है? 20% ऑन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस इज 1 रुपीज, सो लेट्स चेक द आंसर। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 0.20, 90 लाख्स ये टोटल है। उसका अंडर रूट अगर लेते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा आपको 3,000। तोड़ मालिक एकदम बराबर है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट डिस्काउंट कितना मिलेगा 3,000 पे? अगर मेरा ऑर्डर साइज 3,000 है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? चलो आप लोगों ने ईओक्यू तो एकदम बराबर बता दिया है, अब जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मैं ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करता है? अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू फॉलो करता है तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा या बाबा जी का, जल्दी बताइएगा डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जीरो डिस्काउंट, वेरी गुड, नो डिस्काउंट। बाबा जी का ठुल्लू, नो डिस्काउंट, नो नो डिस्काउंट। क्यों नहीं मिलेगा मालिक? सामने वाला बोलता है तू बल्क में परचेस कर डिस्काउंट देता हूं ना, तू 6,000 की क्वांटिटी में परचेस कर देता तेरे को 2% का डिस्काउंट, तू 12,000 के लॉट में परचेस कर देता तुझे 5% का डिस्काउंट, 3,000 में वो डिस्काउंट नहीं देगा। अगेस एकदम परफेक्ट है, चलेगा। सो मालिक अभी आपको टेबल प्रिपेयर करना है वो भी खुद से। ओके टेबल प्रिपेयर करना है वो भी खुद से। एजम्पशन 1, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज। कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज अगेस, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज। आपको कॉलम कंसीडर करना है, सबसे पहला कॉलम आया आपका ईओक्यू, दूसरा कॉलम आया आपको 5% डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम आएगा आपको 2% डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है। इससे आप मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करके बताइएगा। इसे आप मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करके बताइएगा, टेबल प्रिपेयर कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिस पे आपका फोकस रहेगा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, सब लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए टोटल, यहां पे मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट चाहिए। एंड फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक नया पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, घाई मत करो, आप बाद में सॉल्व करो। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे परचेस प्राइस
भी कंपेयर करूंगा, मैं परचेस प्राइस भी कंसीडर करूंगा, इसका रीजन आप मुझे बताइएगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टेबल प्रिपेयर करते वक्त ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दो ही कंसीडर किया था, अब आप मुझे बताएंगे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ साथ कैरिंग कॉस्ट के साथ साथ परचेस प्राइस भी कंसीडर करूंगा, उसका क्या रीजन है। देखते कितना लोग ये आंसर दे सकते हैं। पहले वाले आप जितने भी टेबल देख लो, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही लिया था, मैंने परचेस प्राइस कंपेयर ही नहीं किया था। इसका पिछला क्वेश्चन देख लो बॉस, मैंने परचेस प्राइस कंपेयर ही नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया और एक कैरिंग कॉस्ट ले लिया, सॉरी ये सेकेंड है कैरिंग कॉस्ट, और मैंने टोटल कॉस्ट ले लिया, और मैंने टोटल कॉस्ट ले लिया। तो मेरे चैंप लोग देखते कितने लोग लॉजिकली सोच पाते हैं और ये क्वेश्चन को एडॉप्ट कर पाते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो सर ऐसा कैसे चलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते थे कैरिंग कॉस्ट लेते थे, यहां पे परचेस प्राइस क्यों ले रहे, पूछो क्यों, आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, क्या बात है युक्ता जी, बरोबर है नैनेश्वर जी, बरोबर है दुर्गा जी, ताहा जी, शाबाश, वेरी गुड, सही जा रहे हो क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना, तो डिस्काउंट मिल रहा है बॉस। तो यहां पे परचेस प्राइस अलग है, सपोज 1 रुपीज परचेस प्राइस है, यहां पे 0.95 परचेस प्राइस है और यहां पे 0.98 परचेस प्राइस है, तो परचेस प्राइस अगर अलग है तो फ्रेंड्स आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। वेरी गुड फ्रेंड्स, शाबाश, ठीक है चलेगा। टेबल प्रिपेयर करते हैं फटाक्स है, ये सपोज पहला टेबल मैं बना के देता हूं, दूसरा है वो आपको प्रिपेयर करना है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट, फेयर में लिख लेना सर ये, क्योंकि ये मैं ही बता रहा हूं। डिस्काउंट से कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा, इसका आंसर चैंप लोग आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह, उसके बाद आप सॉल्व करना। एनुअल रिक्वायरमेंट वॉज गिवन इन क्वेश्चन 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, ये था आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं ऑर्डर साइज, ईओक्यू का जो ऑर्डर साइज था वो 3,000 था, 5% जो डिस्काउंट है उसका ऑर्डर साइज है 12,000, लेकिन अगर आपको 2% डिस्काउंट चाहिए तो आपका जो ऑर्डर साइज है वो ऑर्डर साइज था आई गेस 6,000, राइट। लिखते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, जी हां लिखते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेगा 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000, अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मुझे ईओक्यू में 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, इन शॉर्ट में क्वार्टरली परचेस करूंगा। 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 में एक ऑर्डर प्लेस करूंगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 6,000 में 2 ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया। अब आगे का लाइन लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब आगे लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा मेरा 75, कितना है 75 पर ऑर्डर है, सो आई गेस 300 रुपीज आया, 75 रुपीज आया, 150 रुपीज आ रहा है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है लिख लिया ये ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लिया। इसके बाद ले रहा हूं फ्रेंड्स एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज इज 3,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,500 आया, नेक्स्ट सिचुएशन में 6,000 आया, नेक्स्ट सिचुएशन में 3,000 आया, यह आगे आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी, ये हमारा पहला एजम्पशन है जो क्वेश्चन में लेने के लिए बोला था, ओके। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा हर सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में कितना आएगा, ₹1 परचेस प्राइस है इस पे 20%, तो 0.20
0.20, ठीक है। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट, फिफ्टीन हंड्रेड इंटू 0.20, आपको जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है 300। और आपको पता है अगर ईओक्यू फॉलो करते हैं तो जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में आई गेस 6000 इंटू 0.20 1200 रुपए का कैरिंग कॉस्ट लगा। नेक्स्ट सिचुएशन में 3000 इंटू 0.20 आई गेस 600 रुपीज का कैरिंग कॉस्ट लगा। ओके अब फ्रेंड्स, बिलीव मी, बिलीव मी, मैनी स्टूडेंट विल गिव रॉन्ग आंसर, और इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी गलत आंसर देंगे काफी सारे स्टूडेंट। अब आप मुझे बताएंगे परचेस का कॉस्ट कितना आएगा। अगर मटेरियल का पहला डिस्कशन याद आ रहा है तो मैंने इसे बताया था, देखो लिखवा के भी दिया था आपको, ये चार्ट आपने लिखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर आता है आपका परचेस प्राइस। परचेस प्राइस मैंने पेंडिंग रखा था अगर आपको याद आ रहा है तो, राइट। चलिएगा जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, परचेस का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। पहले सिचुएशन में परचेस की कॉस्ट कितनी, सेकंड में कितनी और थर्ड में कितना, मुझे एक ही मैसेज में ये तीनों कॉस्ट बताएंगे आप। और फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलती करने वाले, इसलिए पूछ रहा हूं, मेनी ऑफ यू विल गिव रॉन्ग आंसर फॉर दिस। चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। परचेस का कॉस्ट कितना, जैसे पहले सिचुएशन में 1 रुपए परचेस प्राइस है, सेकंड सिचुएशन में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तीसरे सिचुएशन में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे सिर्फ परचेस का कॉस्ट बताइएगा, मुझे बाकी टोटल कॉस्ट बाद में बताइएगा, क्योंकि अगर परचेस कॉस्ट ही गलत आ गया तो आगे का आंसर आपका गलत आएगा। मुझे सिर्फ एक ही आंसर आया, मुक्ता जी इनका आंसर आया, बाकी लोग अरे जल्दी करो क्या कर रहे हो। परचेस की कॉस्ट कितनी, जैसे पहले कॉलम में परचेस प्राइस 1 रुपए है, दूसरे कॉलम में परचेस प्राइस में डिस्काउंट मिला है, तीसरे कॉलम में परचेस प्राइस में डिस्काउंट मिला है, अरे बोलो जल्दी जल्दी। ओके दुर्गा जी इनका आंसर आया है, टोटल चाहिए ना सर, बलराम जी टोटल चाहिए ना, क्योंकि ये तो हम लोग टोटल ले रहे ना, 300 300, ठीक है 75 1200, ये टोटल ले रहे, तो मुझे टोटल कॉस्ट बताइएगा ना। ज्ञानेश्वर जी 1 रुपए कैसे रहेगा तीनों कॉलम में, 5% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो 0.95, 2% का डिस्काउंट मिलता है तो 0.98, आप 1 1 रुपीज किधर गए। वो तो कैरिंग कॉस्ट का एडजस्टमेंट था कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेस प्राइस दिया था, तो यहां पे उन्होंने एजम्पशन बोला था कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, अरे लेकिन परचेस प्राइस तो चेंज हो रहा है भाई, 0.98 है, 0.95 है। जी हाँ जी हाँ, अरे टोटल चाहिए, शुभम जी शुभम मुंद्रा जी टोटल बताइएगा, आप पर यूनिट बता रहे हो, टोटल चाहिए। जैसे बलराम जी इन्होंने आंसर दिया 12,000, 11,400, 11,760, युक्ता जी ने आंसर दे दिया 12,000, 11,400, 11,700, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आंसर दो, अरे इतना टाइम क्यों लगा। जल्दी 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 आंसर देते रहिएगा। ओके नैनेश्वर जी शुभम जी ठीक है, 12,000 क्वांटिटी आपने परचेस करना है, 1 रुपए का परचेस प्राइस है। नेक्स्ट सिचुएशन में 12,000 क्वांटिटी परचेस करना है एंड 0.95 है। नेक्स्ट सिचुएशन में 12,000 क्वांटिटी परचेस करना है मल्टीप्लाइड बाय 0.98 है, तो आपका आंसर जो है मैं वो करेक्ट कंसिडर करके लिख रहा हूं, पहले केस में 12,000 ले रहा हूं, सेकंड केस में कितना है, सेकंड केस में आ रहा है 11,400 आई गेस आपने दिया हुआ है आंसर, नेक्स्ट सिचुएशन में आ रहा है 11,700। फ्रेंड्स बिलीव मी, फ्रेंड्स बिलीव मी, आप सब लोग चैम स्टूडेंट हो, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है ना फ्रेंड्स, ये सारे की सारे चैम स्टूडेंट है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है
मोर देन 50% स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं, लेकिन यहां पे तो 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहा है। देखो स्टूडेंट गलती क्या करता है, 2 मिनट आप टोटल बाद में लीजिएगा। अच्छा 11760 है, ओके मैं चेक कर लेता हूं ना। 12,000 माइनस 2% 11760, ओके इज थैंक यू 11760 बरोबर है, ओके लिख दिया 11760। चलो सब लोग ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट लोग मिस्टेक कहां पे करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं। हाँ गाई गाई में एग्जाम में ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो ये मिस्टेक आप अवॉइड करना। मैं नीचे लिख रहा हूं अलग पेन से कि स्टूडेंट लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं, 3,000 परचेज किया मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपए, 12,000 परचेज किया मल्टीप्लाई बाय 0.95, तीसरे सिचुएशन में 6,000 परचेज किया मल्टीप्लाई बाय 0.98। अरे आप में से एक भी स्टूडेंट ने ये मिस्टेक नहीं किया, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरे पिछले जितने भी बैच के स्टूडेंट थे आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते थे, वो ये लिखते थे। अब क्या गलती किया बताइएगा, अब क्या गलती किया ये स्टूडेंट क्या करते थे, 3,000 परचेज किया ना एक लॉट में मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए, 12,000 परचेज किया ना एक लॉट में मल्टीप्लाई बाय 0.95, 6,000 परचेज किया ना एक लॉट में मल्टीप्लाइड बाय 0.98। ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लोग, और आप भी, आप में से तो किसी ने किया नहीं है, आगे भी मत करना फ्रेंड्स। ये मिस्टेक क्या है कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, ये मिस्टेक क्या है कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट लोग लिख के आते हैं फटाक से, 3,000 का ऑर्डर साइज है मल्टीप्लाई बाय 1, 12,000 का ऑर्डर साइज है मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 6,000 का ऑर्डर साइज है मल्टीप्लाई बाय 0.98। तो क्या गलती क्या हुआ है, और धड़ाल से ये कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा लिखते हैं फिर टोटल लेते हैं और कंपेयर करते हैं। सर ये डेटा कंपेरेबल ही नहीं है, अरे पहले कॉलम में 3,000 का परचेस प्राइस ले रहे हो, दूसरे कॉलम में 12,000 का परचेस प्राइस ले रहे हो, तीसरे कॉलम में 6,000 का परचेस प्राइस ले रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, बेस सेम होना चाहिए। बाकी सारे कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरे सेंटेंस पे, ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस है, बाकी सारे कॉस्ट अगर एनुअल कंसिडर कर रहे हो तो परचेस प्राइस भी एनुअल कंसिडर करना है। वेरी गुड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट तो पर एनम का लिया है, और आप परचेज प्राइस एक एक ऑर्डर का कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ये जो परचेज प्राइस कंपेयर करेंगे ना, ये एनुअल रिक्वायरमेंट का परचेज प्राइस आप कंपेयर करेंगे मेरे अच्छे बच्चों लोग, ठीक है। आप में से एक भी स्टूडेंट ने मिस्टेक नहीं किया, आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड बाय योर आंसर्स, रियली इंप्रेस्ड बाय योर आंसर फ्रेंड्स। लिटरली 50% से ज्यादा स्टूडेंट गलत आंसर देते थे, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। जी हां, चलो अब फाइनल आंसर कितना है फ्रेंड, 12,600 आ रहा है मेरा पहले केस में आंसर, सेकेंड सिचुएशन में आंसर कितना आया, 12,675 बराबर है, ओके इस, इसके बाद 11,760 प्लस 150 प्लस 600 12,510 है क्या, 12,510 है, देख लेता हूँ। आपने तो आंसर दिए हुए है क्या, आपके आंसर करेक्ट है, मेरा कैलकुलेशन 12,600, ओके फ्रेंड्स जी हाँ, इज इट करेक्ट फ्रेंड्स। अब जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, इफ यू आर ओनर ऑफ द फैक्ट्री, इफ यू आर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, आप ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओनर हो, अगर आप फैक्ट्री के ओनर हो, तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सर जी आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, कि आप ईओक्यू फॉलो करेंगे, 5% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करेंगे, या 2% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करेंगे। अरे आंसर दीजिएगा ना, आपके सामने पूरा आंसर है, आपने लिखा हुआ है ये आंसर,
जल्दी से आप मुझे बताइएगा, आप कौन सा पॉलिसी फॉलो करेंगे? ईओक्यू फॉलो करेंगे, 5% डिस्काउंट लेंगे या 2% डिस्काउंट लेंगे? जी हाँ, जहां पे हमारा कॉस्ट कम आता है वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और कॉस्ट कहां पे कम आ रहा है? 2% पे लोएस्ट कॉस्ट आया है, तो वो ऑप्शन हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने यह सीखा, अरे ईओक्यू बेस्ट है, ईओक्यू से कम कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, उसको एक एक्सेप्शन बताइएगा आप। देखो हम लोग अभी तक क्या लिखते आ रहे हैं, भाई ईओक्यू बेस्ट है, 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 ईओक्यू फॉलो करना चाहिए, ईओक्यू बेस्ट है। क्योंकि ईओक्यू क्या है, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करे सो दैट कॉस्ट इकोनॉमिक आ जाए। सर जी, ईओक्यू को एक्सेप्शन है, बताइएगा क्या एक्सेप्शन है? ईओक्यू में हर बार कॉस्ट कम आएगा, ये जो सेंटेंस है इसको एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है बताइएगा। चलो जल्दी जल्दी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ईओक्यू पे आपको कॉस्ट कम आएगा, ये सेंटेंस को एक्सेप्शन बताइएगा, एक्सेप्शन क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड चैंप लोग, कभी कभी डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट कम आ सकता है एज कंपेयर टू ईओक्यू पॉलिसी। शाबाश लोग, शाबाश। इन केस ऑफ डिस्काउंट, ऐसा जरूरी नहीं कि ईओक्यू पे ही कॉस्ट कम आ जाए, कभी कभी डिस्काउंट अगर ज्यादा मिल गया, कंपनी का अगर ज्यादा फायदा हो गया, तो हम लोग फॉलो करेंगे डिस्काउंट पॉलिसी। यस चैंप लोग, क्या मैं एकदम बेसिक से पूरा क्वेश्चन आपको समझाया है, आपको समझ में आया है? मैंने बहुत ही धीरे धीरे एक 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 पॉइंट एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ठीक है? यस, डिस्काउंट कैन बी इन फेवर ऑफ द कंपनी। जी हां, डिस्काउंट कैन बी इन फेवर ऑफ द कंपनी, वेरी गुड, शाबाश। जैसे कि ये सिचुएशन में हुआ, ओके। सो चैंप लोग, अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो आपको पता है मैं आपको क्या पूछने वाला हूं, सेकेंड एजम्पशन पूछने वाला हूं, और उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। सेकंड एजम्पशन का, सेकंड एजम्पशन क्या है? कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, अब नॉट की जगह पे क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, और टेबल आपको प्रिपेयर करना है और आंसर लिखना है। पहले तो इसका आंसर लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो, अंडर एजम्पशन वन 2% डिस्काउंट पॉलिसी शुड बी एक्सेप्टेड। Under option 1, 2% discount policy should be accepted. Under option number 1, 2% discount policy should be accepted. ठीक है, अब आप solve करेंगे दूसरे assumption से, carrying cost will change, और अब नया carrying cost, फ्रेंड कहां कहां पे change होएगा देखिएगा। कैरिंग कॉस्ट विल चेंज। सो फ्रेंड्स, ये जगह पे आपके आंसर चेंज होंगे, बाकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एज इट इज रहेगा, परचेज प्राइस एज इट इज रहेगा। अब आप सोच समझ के आंसर लिखिएगा, ठीक है? जल्दी से आंसर लिखिएगा और आंसर दीजिएगा। अगर कैरिंग कॉस्ट चेंज होता है तो आपका आंसर कितना आता है और कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 5 मिनट सॉल्व करने के लिए, जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा। डिस्काउंट की वजह से आपका कैरिंग कॉस्ट चेंज होने वाला है, उसका आंसर आप मुझे बता रहे हो। सेम फॉर्मेट, सिर्फ आपका जो कैरिंग कॉस्ट वाला पार्ट है वो चेंज होने वाला है।
जी विशाल जी, सर आप लेक्चर यूट्यूब पे कितने हो? विशाल जी ऑलरेडी मेरा जो कमिटमेंट था 15% का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब लास्ट लेक्चर रहेगा, वही लेक्चर में बता दूंगा कि ये लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, सो जब तक ले रहा हूँ तब तक कनेक्ट करते रहिएगा, और आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगा, तो देखते हैं। मुक्ता जी डायरेक्टली मुझे टोटल कॉस्ट बताइएगा। ओके, आपने बता दिया 12,300 पहले सिचुएशन में। मुक्ता जी 12,600 आएगा ना? 12,600 आएगा मुक्ता जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 300, कैरिंग कॉस्ट 300 और 12,000 परचेज प्राइस है, तो 12,600 आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट 12,615 है एंड 12,498 है। ओके, मुझे फाइनल आंसर बताइएगा, टोटल कॉस्ट का आंसर बताइएगा सब लोग जल्दी से। काफ़ी सारे स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, 12,600, 12,615 है, 12,498 है, मैक्सिमम स्टूडेंट के ये आंसर है। ओके लेट्स चेक, 12,600, 12,615 बता रहे हैं और 12,498, जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिए ये सेम आंसर दे रहे हैं बाकी लोग। 12,600, 12,615, 12,498। नैनेश्वर जी, प्रगति जी, बिंदु जी, विधि जी, मुक्ता जी, जी हाँ, बाकी लोग आंसर देते रहिएगा। सो नेक्स्ट सिचुएशन में कितना आएगा? आपका जो नया परचेस प्राइस था, सो वो 1-5% इंटू 20%, 1-2% इंटू 20%, जी हाँ, 1-5% यानी 0.95 इंटू 20% पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 0.19। 1-2%, 0.98 मल्टीप्लाई बाय 20%, 0.196। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.19 आपका आंसर आ गया 1,140। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.196 आपका आंसर आ गया 588। सो फाइनली 11,400 प्लस 1,140 प्लस 75, 12,615 आंसर आया। आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है। विमल जी एक बार आप सेकंड आंसर चेक कीजिएगा।
विमल जी आपका सेकंड आंसर चेक कीजिएगा, सेकंड आंसर में शायद आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 12615 है, आप गलती से 12045 ऐसे कुछ तो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिचुएशन में 11760 प्लस 588 प्लस 150, तो आपका आंसर आ रहा है 12498। जी हाँ, 12498, और यहां पे भी 2% डिस्काउंट पॉलिसी जीत गया, लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है अपना 2% डिस्काउंट पॉलिसी पे, राइट फ्रेंड्स। तो एक कंक्लूजन आप लिखिएगा वहां पे, कंपनी शुड फॉलो 2% डिस्काउंट पॉलिसी। यस फ्रेंड्स, सो आई होप कंप्लीटेड हुआ है सब लोगों का। अरे जल्दी बताइएगा, आगे बढ़ना है हमें। वेदर कंप्लीटेड एवरीवन, कुछ डाउट तो नहीं है? शुड वी प्रोसीड? जी हाँ सर, कुछ डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ना है, ऑल क्लियर। कैरिंग कॉस्ट का आई गेस एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया है एवरीवन। चलिए, कैरिंग कॉस्ट का और डिस्काउंट का हम लोगों ने रिलेशनशिप समझा, दोनों एजम्पशन से सॉल्व किया। कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, सो ये दोनों से हम लोगों ने तो सॉल्व बिल्कुल कर लिया, अच्छे से समझ में आया रहेगा आपको। और डोंट वरी, आगे ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो प्रैक्टिस मजबूत करवा के लेता हूं, तो थोड़ा भी आपका कंफ्यूजन रहेगा अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो ही जाएगा बिल्कुल। आएगा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, अब मैं नहीं आप सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड इज 24,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 90 रुपीज पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 12% ऑन परचेस प्राइस एंड योर परचेस प्राइस इज 25 रुपीज, उस पर 12% आपका एवरेज इन्वेंट्री का कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है। एडवाइज द कंपनी इफ इट इज प्रपोजेस टू प्लेस अ मंथली ऑर्डर, देखो मंथली ऑर्डर प्लेस करना है, हर महीने में एक ऑर्डर आएगा, यानी 12 ऑर्डर जाएंगे आपके पूरे साल में, अगर डिस्काउंट मिलता है 4%। मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा जल्दी से, अगर मुझे मंथली ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर साइज कितना रहेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मुझे मंथली ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर साइज कितना रहेगा, अगर मुझे मंथली ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर साइज कितना रहेगा, अरे जल्दी से आंसर दो ना रे। विधि जी इन्होंने एकदम फास्ट आंसर दे दिया है, आंसर इन्होंने दे दिया है 2000, अगर मंथली परचेस करना है तो 2000, ओके फटाक से। बिंदु जी, ताहा जी, अरे जल्दी, मुक्ता जी 2000, दानेश्वर जी, अंशिका जी 2000, ओके कैसे आया आपका ये 2000, अरे कैसे आया आपका टू, एकदम बराबर है चैंप लोग, एकदम बराबर है। देखो 24,000 पूरे साल में परचेसेस करना है, 24,000 पूरे साल में परचेस करना है, और हर महीने में एक ऑर्डर प्लेस करो तो 12 महीने में 12 ऑर्डर जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मेरा जो ऑर्डर साइज है वो आएगा 2000, ओके। एजम्पशन आपको दे दिया है, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी। जी हां, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करेगा, अरे सबसे पहले क्या करेगा, ये टेबल प्रिपेयर करने का घाई मत करो, सबसे पहले तो आपको ईओक्यू फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ईओक्यू फाइंड कीजिएगा, फिर दो कॉलम आप प्रिपेयर करेंगे, एक ईओक्यू का कॉलम और एक आएगा आपका डिस्काउंट का कॉलम, कितना परसेंट डिस्काउंट रहे, 4% डिस्काउंट है बॉस, तो दो कॉलम कंपेयर कीजिएगा और जल्दी से बताइएगा आपने क्या फॉलो करना चाहिए, ईओक्यू फॉलो करना चाहिए या 4% डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अब मुझे फाइनल आंसर दीजिएगा, ईओक्यू वगैरह सब कुछ एकदम एंड में बताइएगा, फाइनल आंसर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का ईओक्यू आ गया 1200, यस करेक्ट है, कुछ स्टूडेंट का ईओक्यू आ गया, यस करेक्ट है, काफी सिंपल था। ईओक्यू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट आर 24,000,
एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 90 रुपीज पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज 12% ऑन परचेज प्राइस. सो 12% मल्टीप्लाई बाय 25 जी हाँ शाबाश, 1200 आंसर दे दिया आपने. आपको 3 मार्क्स मिल गए 10 में से. आप लोगों को 3 मार्क्स मिल गए 10 में से. अगर ईओक्यू आपने फाइंड कर लिया, 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल गए. चलो अभी वो कॉलम प्रिपेयर कीजिएगा जल्दी से. और एजम्पशन लेने के लिए बोला है कैरिंग कॉस्ट विल चेंज. तो ईओक्यू एंड एक और कॉलम आएगा डिस्काउंट वाला. आपको डिस्काउंट दिया है 4%. जल्दी से सॉल्व कीजिएगा. चलिए अब फाइनल आंसर के लिए वेट कर रहा हूं आपके. ट्राई योरसेल्फ.
यस चैंप लोग, आपका टाइम खत्म। जी हाँ, जी हाँ, तीन आंसर, चार चार लोगों के ही आंसर आए, बाकी लोग जल्दी से करते रहिएगा। ओके, 5 6, वेरी गुड। कोई इश्यू नहीं है, चलेगा, फटक से आंसर दीजिएगा अभी। बाकी लोग जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जी हाँ, एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000, 24,000 है। ईओक्यू में जो आपका ऑर्डर साइज आया था वो 1,200 आया। जी हाँ, और अगर 4% का अगर डिस्काउंट चाहिए तो मंथली परचेज करना था, तो मंथली आपका जो ऑर्डर साइज है वो 2,000 आना चाहिए था। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करते हैं, यहां पे 20 ऑर्डर प्लेस होएगा और यहां पे 12 ऑर्डर प्लेस होएगा। एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो 90 रुपीज था, सो 90 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,800 रुपीज आया था, एंड 1,080। ठीक है, 1,080। नेक्स्ट सिचुएशन में एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो पहले सिचुएशन में आया 600, नेक्स्ट सिचुएशन में आया 1,000। मेन एडजस्टमेंट था आपका कैरिंग कॉस्ट का, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट दिया था 12%, तो इसका मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो कैरिंग कॉस्ट जो था वो 12% ऑन परचेज प्राइस है, सो परचेज प्राइस आपका पहले सिचुएशन में 25 है, सेकेंड सिचुएशन में डिस्काउंट मिल रहा है, सो 25 रुपीज में 4% का डिस्काउंट मिला, सो 25 माइनस 4% ऑफ 25, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12%, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12%, आपको जो आंसर आया था वो 3 रुपीज आपको मिल रहा है, और यहां पे आई गेस 2.88। चलिए, आपको शॉर्टकट बता दूं, आपको शॉर्टकट बता दूं, आप डायरेक्टली देखो कैलसी लो, अरे डायरेक्टली 3 रुपए में 4% लेस करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, देखो 2.88, शॉर्टकट बता रहा हूं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लिख ये सारे कैलकुलेशन सोचने का, डायरेक्टली 3 रुपए माइनस 4% कर लो, आपका आंसर आ गया, देखो 2.88, 3 रुपए में 4% लेस कर दो, 2.88 आपका आंसर आएगा। ओके, टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली, पहले सिचुएशन में 1,800, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका सेम आना चाहिए, 1,080 मल्टीप्लाई बाय 2.88, या फिर 1,000 है एवरेज इन्वेंट्री, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2.88, आपका जो आंसर आ गया वो 2,880। जी हाँ, परचेज का प्राइस आपको चेक करना पड़ेगा, परचेज प्राइस इन द फर्स्ट सिचुएशन इज 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, इन द सेकेंड सिचुएशन 24,000 आप परचेस करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 24 रुपीज आएगा, 25 रुपए माइनस 4%, तो आता है 24, परफेक्ट सर। फर्स्ट सिचुएशन में आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 6 लाख, सेकेंड सिचुएशन में आपका जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है 5,76,000, एंड बाऊजी टोटल कॉस्ट आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस 6,03,800, आई गेस आपका आंसर आ गया 600, 6,03,600, परफेक्ट है। नेक्स्ट सिचुएशन में 2,76,000, सॉरी 5,76,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 1,080 प्लस कैरिंग कॉस्ट है आपका 2,880, तो 5,79,960, 579,960। अरे क्या बात है फ्रेंड, जितने भी लोगों ने आंसर दिए ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए हैं, क्या बात है, 6,03,600, 5,79,960, मैं देख पा रहा हूं,
एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने आंसर दिया है, सारे के सारे, राघव, ज्ञानेश्वर जी, दुर्गा जी, प्रगति जी, प्रेम, बिंदु जी, मुक्ता जी, विधि, विधि जी, इन्होंने तो बहुत ही स्टार्टिंग में ही आंसर दे दिया था, परफेक्ट है बॉस। अरे तो क्या फॉलो करना चाहिए, ईओक्यू फॉलो करना चाहिए या 4% का डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए? ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कम आ रहा है या फिर डिस्काउंट पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कम आ रहा है? तो ऑब्वियसली डिस्काउंट में टोटल कॉस्ट कम आ रहा है तो कंपनी शुड फॉलो 4% डिस्काउंट पॉलिसी, कंपनी शुड फॉलो 4% डिस्काउंट पॉलिसी, परफेक्ट है फ्रेंड्स। आई होप ये समझ में आ गया, आई होप ये कैरिंग कॉस्ट का जो एडजस्टमेंट है, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज विल नॉट चेंज, ये दिमाग में फिट हो गया, अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो फ्रेंड्स नवंबर 20 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन यही रिलेटेड क्वेश्चन था, जी हां फ्रेंड्स, मैं लिख के देता हूं 100% ऑफ यू, ये क्वेश्चन नंबर जो था हम लोग आगे कंसीडर करने वाले हैं, ये देखो नवंबर 20 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वो भी 10 मार्क्स के लिए। जैसे मैंने आपको बोला आपका अमेंडेड नोट से सब कुछ कवर किया हुआ है मैंने, देखिएगा परचेस करता है 27,000 पर एनम, कॉस्ट पर ऑर्डर इज 240, कैरिंग कॉस्ट इज 12.5%, ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट ₹50, एट प्रेजेंट द ऑर्डर साइज इज 3000 स्पेयर पार्ट, एज्यूम टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर 360, ये भी हम लोगों ने देखा था कल, फाइंड आउट हाउ मच कॉस्ट विल बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग ईओक्यू, ईओक्यू फॉलो करके कितना कॉस्ट सेव करेंगे, रीऑर्डर पीरियड, ये हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले, ये वेरियस स्टॉक लेवल जो 36 नंबर का क्वेश्चन है वहां से शुरुआत होएगा, वो आगे आपको आराम से आ जाएगा, हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस, ये भी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर अगर आपको याद आ रहा है, हर 10 दिन में ऑर्डर प्लेस होएगा, हर 12 दिन में ऑर्डर प्लेस होएगा, यू वोंट बिलीव नवंबर 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का था, और फ्रेंड्स आप चाहो भी तो इसमें गलती नहीं कर सकते, इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप देख लेना घर पे बाद में ट्राई कर लेना, वैसे तो हम लोग आगे जाके ये लेक्चर में सॉल्व करने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आप आराम से 10 out of 10 मार्क्स ले सकते हैं, सिर्फ मेरे 2-3 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दे दिए आपको कैसे टेबल प्रिपेयर करना है एक्सेट्रा, आप आराम से वर्कआउट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बेसिक पे ही इतना फोकस करते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगा आप लोगों को, है ना, है ना सर। तो कहां थे हम लोग, अरे रे आज तो स्पीड कम हो गया अपना, काफी सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया शायद मैंने, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कंफर्टेबल हो फ्रेंड्स, शुड वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंफर्टेबल, प्रॉपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है आई गेस, आपको अभी सॉल्व ही नहीं करना है, डोंट वरी दुर्गा जी, जब वो लेक्चर में आएगा तब सॉल्व करेंगे। अगेस आई डोंट थिंक सो, कोई डाउट वगैरह है फ्रेंड्स? अगर नहीं है तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, मैं नहीं आप सॉल्व करेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद मैं, तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। Tata Motors Limited uses 75,000 valve per year. Usage is fairly constant at 6250 per month. पूरे साल में 75,000 use कर रहा हूं, consume कर रहा हूं, और monthly constantly 6250 purchase करो। अगर आप देखेंगे 75,000 को 12 से divide करेंगे तो आप use कर रहे हो 6250 per month. Okay. The valve cost rupees 1.5 per unit. When it bought in quantities and the carrying cost is estimated to be 20% of average inventory investment on annual basis. ठीक है, समझ गया। Cost to place an order and process the delivery is 18 rupees. Ordering cost is 18 rupees है, okay. It takes 45 days to receive from the date of the order and safety stock of 3250 is required.
फिलहाल ये पॉइंट आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? वो क्वेश्चन नंबर 36, 35 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ये, तो यहां पे हम लोग तीन चार लाइन छोड़ के रखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑर्डर पॉइंट। ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको चार लाइन छोड़ के रखना, ये बाद में देखेंगे। मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ वॉल कॉस्ट 4.5 ईच इंस्टेड ऑफ 1.5। तो एक और क्वेश्चन है, ईओक्यू आपको पूछा है। चलो ठीक है सर जी, आपको सिर्फ ईओक्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ईओक्यू फाइंड कीजिएगा, फिर चार लाइन छोड़ दीजिएगा। फेयर में सॉल्व करो, रफ में कोई सॉल्व नहीं करेगा। फिर चार लाइन छोड़ दीजिएगा रीऑर्डर पॉइंट के लिए, और उसके बाद वापिस से ईओक्यू पूछा है विथ न्यू डेटा। जल्दी से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको फाइंड करके बताना है, जल्दी से बताइएगा। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज 75,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 18 रुपीज है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1.5 आपका परचेस प्राइस है, उस पर 20% का कॉस्ट लगता है। जी हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है यार, जल्दी आंसर दीजिएगा। क्या कर रहे हो, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, अमर सहानी जी, इन्होंने आंसर दिया 3,000। वेरी फास्ट अमर, वेरी गुड। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रगति जी, मुक्ता जी, विमल जी, 3,000 आंसर आ रहा है। ओके, सो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.30 आई गेस, और इसका अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो 3,000 आंसर आ गया। परफेक्ट है, 3,000 आंसर आया। ओके, ईओक्यू आ गया आपका 3,000, परफेक्ट है। ईओक्यू आ गया आपका 3,000, वेरी गुड। अब वो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोला है ना पहले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि 75,000 मुझे पूरे साल में लगने वाले हैं, एक साथ में 3,000 परचेस करता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना जाएगा। ठीक है, जैसे ईओक्यू आ जाता है अगला पॉइंट लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा, 75,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 25 ऑर्डर्स। ठीक है, सो 25 ऑर्डर प्लेस करना है तो फ्रीक्वेंसी चेक करना है, फ्रीक्वेंसी चेक करना है 12 मंथ में 25 ऑर्डर प्लेस करना है, 12 मंथ में 25 ऑर्डर हमें प्लेस करना है, तो 0.48 मंथ, 0.48 मंथ। डेज में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 365 डेज। अब 360 मत लेना, क्वेश्चन में 360 वगैरह बोला नहीं है, जिस क्वेश्चन में बोला जाता है 360 वही क्वेश्चन में लेते जाएगा, बाकी नॉर्मल कंसीडर करो 365 डेज। 365 डेज में 25 ऑर्डर्स, 365 डेज में 25 ऑर्डर आपको प्लेस करने हैं, तो एवरी 14.6 डेज पे आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल अभी तक मैंने सिखाया नहीं है ना, तो रीऑर्डर लेवल आप आंसर मत दीजिएगा। रीऑर्डर लेवल के लिए चार लाइन आपको छोड़ना है, 25 ऑर्डर प्लेस करना है तो फ्रीक्वेंसी 12 महीने में 25 ऑर्डर, तो हर 0.48 मंथ पे आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, या फिर 365 डेज डिवाइडेड बाय 25 ऑर्डर, एवरी 14.6 डेज पे आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आई होप सब लोगों ने ये लिख लिया है। जी हाँ, जल्दी से। अब आपको नया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपका कुछ डेटा चेंज हो रहा है, देखिए ये परचेज प्राइस 4.5 है इंस्टेड ऑफ 1.5, सो अंडर रूट, चार लाइन आपने ब्लैंक रखा है,
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 75,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना दिया था क्वेश्चन में, ऑर्डरिंग कॉस्ट 18 रुपीज, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज था, तो 20%। नया परचेज प्राइस कितना है, तो नया परचेज प्राइस है आपका 4.5। जी हां, तो नया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.90, और इसका अगर मैं अंडर रूट लेता है तो आंसर आ रहा है 1732.05। और फ्रेंड मैंने आपको बता दिया है एग्जाम में अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप क्या करेंगे, पहले जो फ्रैक्शन वाला आंसर है वो लिखेंगे एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1732 ऐसे आप लिख लेना, अप्रोक्सीमेटली 1732। जी अप्रोक्सीमेटली 1732, तो पहले फ्रैक्शन वाला आंसर लिखिएगा उसके बाद जो आपको राउंड अप करना है वो आप कर सकते हैं। चार लाइन आपने ब्लैंक रखा वो रीऑर्डर लेवल फाइंड करने के लिए, वो अगला कंसेप्ट है 35-36 क्वेश्चन के बाद वो सीखेंगे हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी वगैरह कैसे फाइंड करना है। चलिए तोड़ मालिक, अरे झेपा सब लोगों को, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो सिर्फ ईओक्यू फाइंड करना था। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको होमवर्क करना है। डन सर, प्लीज यूज व्हाइट बोर्ड, ठीक है कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड यूज करता हूं, सब प्रोविजन करके रखा है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से वर्किंग करूंगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा, एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अ मैनेजर हैज डिसाइडेड टू प्लेस ऑर्डर फॉर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 500 नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन ऑर्डर टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये 500 की जगह पे यहां पे 800 करना है हमें, 500 की जगह पे 800 करना है, 500 की जगह पे 800 करना है। ठीक है, अ मैनेजर हैज डिसाइडेड टू प्लेस फॉर मिनिमम क्वांटिटी 800 नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन अक्टूबर टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 800 के लॉट में परचेस करते हो तो। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इट वॉज फाउंड दैट इन द लास्ट ईयर 8 ऑर्डर्स ईच ऑफ साइज 200 हैव बीन प्लेस्ड। 8 ऑर्डर्स ईच ऑफ साइज 200 हैव बीन प्लेस्ड। फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन है जल्दी से आंसर दीजिएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, देखते कितना लोग फाइंड करके देते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। ये ऑर्डर है अक्टूबर, शायद मैंने गलती से पढ़ा था, हाँ एनुअल रिक्वायरमेंट, चलो एनुअल रिक्वायरमेंट। अरे बिंदु जी आंसर दे दिया, मुक्ता जी आंसर दे दिया है, अरे जल्दी से एनुअल रिक्वायरमेंट बताइएगा कितना है, 1600। अरे ये आना चाहिए सब लोगों को, 1600। परफेक्ट है 1600। अरे कैसे आया है 1600, शाबाश लोगो, शबास 1600 एकदम बराबर किया। देखो पिछले साल 8 ऑर्डर प्लेस किए थे, 200 के ऑर्डर प्लेस किए थे, 200 यूनिट के, तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट था 1600। शाबास चैंप लोग,
तुम लोग सब चैंप हो जो लोग आंसर दे रहे हैं, शाबाश, सीख रहे हैं आप ये पॉइंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500, कैरिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, कॉस्ट पर यूनिट इज 400। इज मैनेजर जस्टिफाइड इन हिज डिसीजन? इज मैनेजर इज जस्टिफाइड इन हिज डिसीजन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन टू द कंपनी? ये कंपनी पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है ये आपको बताना है। चलेगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताएंगे डिस्काउंट का और कैरिंग कॉस्ट का आप क्या लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेस प्राइस है, तो आप एज्यूम कीजिएगा कैरिंग कॉस्ट विल चेंज। आप एज्यूम कीजिएगा कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, आप एज्यूम कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ना आपको, आप एज्यूम कीजिएगा कैरिंग कॉस्ट विल चेंज। देखो कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेस प्राइस दिया है, तो जब परचेस प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होएगा। ये एजम्पशन थोड़ा सा लॉजिकल लगता है जब क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, तब जब दिया रहता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? ईओक्यू फाइंड मत करो भाई, यहां पे ईओक्यू किसी ने भी नहीं पूछा है, यहां पे ईओक्यू फॉलो करना ही नहीं है। कंपनी पहले क्या कर रहा था, 200 के 8 ऑर्डर प्लेस कर रहा था। अब अगर डिस्काउंट चाहिए 10% का, तो 800 का लॉट साइज है, ये डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका कंपनी पे क्या इंपैक्ट आया है, 5 मिनट में आप आंसर देंगे। ओवर टू यू, 5 मिनट में आप आंसर देंगे, ओवर टू यू, जल्दी से।
क्या बात है, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया है। मुक्ता जी इनका आंसर आ गया है। जल्दी से बाकी लोग, फटैक से। अरे जल्दी आंसर दो, अरे लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, जल्दी आंसर दो। करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। और वो 800 लेना है, मैंने क्वेश्चन में बोला था आपको 500 की जगह पे आपको 800 कंसीडर करना है। क्या बात है विधि जी, आप बहुत अच्छे से आंसर देते हो। यस मैनेजर इज जस्टिफाइड विद द डिसीजन एज द कंपनी सेव ₹25,400। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने वो सेंटेंस फ्रेम किया है, बरोबर है कि जस्टिफाई होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा है आपने बरोबर से आंसर दिया विधि जी, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, सबसे पहले कॉलम कंसीडर कर रहा हूं एग्जिस्टिंग, और दूसरा डिस्काउंट पॉलिसी। एक आया एग्जिस्टिंग और दूसरा है डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट, जी हाँ एनुअल रिक्वायरमेंट था उसका, वर्किंग नोट दिया था 1600 1600। इसके बाद ऑर्डर साइज, एट प्रेजेंट हम लोग 200 के 8 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। डिस्काउंट अगर चाहिए तो 800 का मिनिमम ऑर्डर साइज रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका ऑर्डर साइज। इसके बाद लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाय 200। 8 ऑर्डर आप पहले प्लेस कर रहे थे, अब आपको 2 ही ऑर्डर प्लेस करना है। इसके बाद आएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, तो एक ऑर्डर का खर्चा कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500। ओके सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 500, चलेगा। सो कितना 4000 आंसर आ गया एंड 1000 आंसर आ गया, सब बराबर है। एक बार चेक कीजिएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री लिया, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज 200 है डिवाइडेड बाय 2, एंड नेक्स्ट सिचुएशन में ऑर्डर साइज इज 800 डिवाइडेड बाय 2। सो सबसे पहले तो आपका आंसर आ गया 100, नेक्स्ट सिचुएशन में आपका आंसर आ गया 400। एवरेज इन्वेंट्री के बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये पर डिपेंडेंट है फ्रेंड परचेज प्राइस पे, और आपका जो परचेज प्राइस है वो है कहाँ दिया हुआ है, परचेज प्राइस कॉस्ट पर यूनिट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज है, तो 40% है। ओके अरे श्योर ना 40% है, कैरिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू परचेज प्राइस। ओके 400 का 40% आई गेस 160 आता है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो सबसे पहले तो वो 400 में डिस्काउंट लेस करेंगे। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है इन्होंने, 10%। सो 400 में से 10% गया और उसका 40%, ठीक है।
360 का 40% कैरिंग कॉस्ट आ गया 144। आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ गया है। ओके फिर कैरिंग कॉस्ट के बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट लेते हैं। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 160 16,000, 400 मल्टीप्लाइड बाय 144 आपका जो आंसर बन रहा है 57,600 आंसर बन रहा है। एंड यस बिकॉज ऑफ डिस्काउंट यू विल हैव टू परचेज कंपेयर द परचेज प्राइस, यू विल हैव टू कंपेयर द परचेज प्राइस। अरे कितना है परचेज प्राइस, हमें 1600 क्वांटिटी परचेज करना है, हमें 1600 क्वांटिटी परचेज करना है पूरे साल में, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज प्राइस से। पहले सिचुएशन में परचेज प्राइस कितना है 400 रुपीज है, सेकंड सिचुएशन में डिस्काउंट के बाद 360 रुपीज का परचेज प्राइस है। अरे बाकी लोग आंसर देते रहो अगर आंसर आ रहा है आपका तो। सो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1600 अगेन 640,000, 1600 मल्टीप्लाई बाय 360 आपका जो आंसर आ रहा है वो 576,000। देते रहिएगा आंसर, अगर आ रहा है तो आंसर देते रहिएगा। टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है तो बता दीजिएगा, आई विल रेक्टिफाई दैट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4,000, कैरिंग कॉस्ट है 16,000 एंड 640,000। सो ये आ रहा है 660,000 आई गेस। यस यस आई एम करेक्ट, काफी सारे स्टूडेंट ने ये आंसर दिया 660,000, तोड़ मालिक। इसके बाद 1000 प्लस 57,600 प्लस 576,000, चैंप, काफी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, 634,600 इज करेक्ट आंसर। अगेस कंपनी ने कितना पैसा बचा लिया, देखिएगा ये डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करके कंपनी ने कितना पैसा बचा लिया। तो 660,000 माइनस 634,600 25,400 रुपीज कंपनी ने सेव कर लिया, 25,400 कंपनी ने पैसा बचा लिया, 25,400। गुलाब जी, दुर्गा जी, विधि जी, इसके बाद राघव का भी करेक्ट आंसर है, विधि जी, राघव जी, विधि जी, मुक्ता जी, 19,000 एक बार चेक कीजिएगा। ताहा जी, जी हां, जी हां, कंपनी सेव करेगा अगर डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो। कंपनी ने 25,400 रुपीज सेव किया। चैंप लोग समझ में आया सब लोगों को? यस 25, अमर जी बराबर है, 25,400 सब लोगों को समझ में आ गया है। यस एनी डाउट अबाउट दिस? क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क करना है, एक और क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आज दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क है, चलेगा। इज देयर एनी अदर डाउट? और फ्रेंड्स भूलना मत एक एजम्पशन लिखने के लिए, बॉस इसके नीचे एक एजम्पशन लिखिएगा, एज्यूम दैट कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी। जी हाँ ये क्वेश्चन के नीचे एजम्पशन लिखिएगा, कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी। कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है। और आपने ऊपर कंक्लूजन तो लिखा ही रहेगा, मैनेजर इज जस्टिफाइड इन एक्सेप्टिंग डिस्काउंट पॉलिसी, मैनेजर इज जस्टिफाइड इन एक्सेप्टिंग डिस्काउंट पॉलिसी बिकॉज ऑफ द सेविंग ऑफ 25,400, बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ 25,400।
जी हाँ 25,400 परफेक्ट है। ओके चलेगा फ्रेंड्स। कल ये जो यूट्यूब लाइव सेशन है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15-20% से एक्सीड कर दिया है। ठीक है, तो कल ये जो यूट्यूब है उसका लास्ट सेशन रहेगा। हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग का, जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कॉस्टिंग का लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो वैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिन लोगों ने परचेस किया है या फिर जो लोग परचेस करेंगे उनको लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू वो टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आई लेट यू नो टुमारो, अदरवाइज वो जो लाइव बैच है उसका रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही पीडी में या फिर गूगल डाउनलोड में। तो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं फिजिबल है या नहीं है, अगर होता है तो वो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अवेलेबल करवा देंगे, अगर पॉसिबल होता है, फिजिबल होता है तो। ओके सो इज देयर एनी अदर डाउट फ्रेंड्स? इफ नो देन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल लास्ट लेक्चर रहेगा, कल लास्ट लेक्चर रहेगा। ये जो YouTube लाइव है ऑलरेडी मैंने 15-20% से ज्यादा ही पढ़ा दिया है। ओके सो लाइव स्ट्रीमिंग का एक बार चेक करते हैं, अगर वो फिजिबल है तो होएगा। टेस्टिंग चल रहा है, जैसे कि आपने देखा रहेगा डायरेक्ट टैक्स का वो टेस्टिंग हुआ था और वो करेक्ट है, तो डायरेक्ट टैक्स से इसका स्टार्ट हो जाएगा, जीएसटी का होने ही वाला है लाइव स्ट्रीमिंग। वैसे ही मैं आपको कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन कल दे सकता हूँ। ओके सो टिल दैट थैंक यू फ्रेंड्स, रिवाइज करते रहिएगा, दो होमवर्क आपको दिया है, होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल लाइव जो है यूट्यूब का लास्ट लेक्चर रहेगा। ओके थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर।